विमरा, व्हाट इज योर रोल नंबर? 1824871। हमेशा रोल नंबर से लॉगिन किया करो, मुझे दिक्कत होती है फिर नाम से रिट्रीव करने के उस हिसाब से। सर मेरे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता ऑप्शन? जब आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे एडिट के नाम से, वहाँ पे करके आप यू कैन पुट इट रोल नंबर ओवर देयर ना, आ जाता है। अमित अपना वीडियो ऑन करो। नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, आपका जो लिंक भेजा होता है ना, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जाने से तो मेरा खुद से कनेक्ट हो जाता है। अमित यू कैन हियर मी? बेबी मारा अपना वीडियो ऑन करो। अमित अपना वीडियो ऑन करो। अमित मेरे को सुन पा रहे हो आप? गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सब्जेक्ट है टूरिज्म मार्केटिंग का। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, तो गाइस टूरिज्म मार्केटिंग का हमने जो कि पहले कॉन्सेप्ट इसका कर चुके हैं, हमें पता है बेसिक्स व्हाट इज टूरिज्म मार्केटिंग। और आप में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि एक अच्छी मार्केटिंग के अंदर अगर मुझे अच्छी टूरिज्म की मार्केटिंग करनी है तो उसके अंदर क्या क्या हमें करना चाहिए? व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मेक अ मार्केटिंग मोर इफेक्टिव इन हर टूरिज्म ब्रांड? So, can you have any idea, any of you? एक एक करके सब खिचड़ी वैसे नहीं, अगर पहले बोलेगा जैसे करण बोलेगा तो करण यू स्टार्ट। नहीं सर, क्वेश्चन समझ मुझे समझ में नहीं आया सर, मुझे कॉल आया था सर अभी। क्वेश्चन नहीं समझ आया सर। क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूँ कि अगर हमारे को इफेक्टिव टूरिज्म मार्केटिंग करनी है, टूरिज्म की एक अच्छी मार्केटिंग हम करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर माइंड? कि सोचो कि मेरे को अपने अगर अपने किसी ब्रांड की, अपने टूरिज्म प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो मैं कौन कौन से फैक्टर दिमाग में रखूंगा, मैं कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करूंगा उसको और ज्यादा फेमस करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? सर सोशल मीडिया। यस करण, आप बताइए। सर पहले सर इफेक्टिव चीज होगी सर सोशल मीडिया पे सर, सबसे पहली फर्स्ट नंबर से कि सर सोशल मीडिया सर आज के दिन सर में सर आज के दिनों में सर हर कोई यूज कर रहा है सर सोशल मीडिया को। आप कैसे यूज करेंगे सोशल मीडिया को, मुझे बताएंगे क्या प्रोसेस करेंगे आप, कैसे करेंगे? सपोज यू आर ओपनिंग वन ट्रैवल एजेंसी, देन व्हाट इज योर चॉइस ऑफ ओपनिंग? सर मैं सर सोशल मीडिया को सर हर किसी को सर अपने फ्रेंड्स को सर अपने अपने सर एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर भेजूंगा सर, फोटो इमेजेस सर यहाँ वहाँ अपने दोस्तों को शेयर करूंगा सर, वो आगे और शेयर करेंगे सर, अगर बाय चांस अगर किसी को वो पसंद आता है सर वो मुझे कांटेक्ट भी करेंगे सर आगे से सर, जो अगर सर वो स्टार्टिंग पॉइंट सर वो मेरा वही होगा अगर सोशल मीडिया से। ओके ओके, चंचल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर पैम्पलेट भी बना सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी जैसे करण ने बोला, क्योंकि आजकल सारे मतलब कि फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो स्मार्ट तरीके से अगर हम यही शेयर करें, हम शेयर करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि आगे शेयर करो, वो आगे शेयर करेंगे, फिर ऐसे वो आगे शेयर करेंगे, जिसको भी पसंद आएगा सर वो ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट तो जरूर करेगा। तो क्या उसके भरोसे में काम खोला जा सकता है? ऐसे शेयर कर सकते हैं या फिर नो सर। और जैसे जो फेमस फेमस जगह है जैसे अलांते हो गया और सुखना लेक हो गया, वहां पर जाके हम इसके बारे में बता सकते हैं, यही सर। अच्छा बेबी मारा, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट इफेक्टिव मार्केटिंग फॉर टूरिज्म? सर अगर हम लोग को लेट बेबी मारा टू टॉक फर्स्ट ना, करण तू बाद में बात करना। यस कंटिन्यू बेबी। सर अगर हम लोग को वो टूरिज्म मार्केटिंग वो करना हो तो सबसे पहला तो हम जो जगह दिखेगा कमर्शियल एरिया पे अपना जो भी खोलना चाहेगा टूरिज्म वो कर ले के लिए, लाइक ट्रैवल एजेंसी हो या एंड कुछ कुछ टूरिज्म वो होटल मैनेजर सब कर ले के लिए,
सबसे पहले एरिया देखा जाएगा. अगर उसमें हम काम करेगा सोचने से, तो कि अगर अगर कल को अगर मेरा काम बिल्ड भी हो गया, तो बिल्ड होने के बाद अगर उसको हम इनॉग्रेट ये सब कुछ करना हो, तो सबसे पहले हम पार्टी पार्टी करेंगे, एक इवेंट वो करेगा, इवेंट इवेंट करेगा. तो उस इवेंट पे जो जो मेरा रिलेटिव्स है एंड फैमिली है, क्योंकि फैमिली लोग को थोड़ा शेयर करेगा तो वो लोग आगे आगे बढ़ाएगा, तो जितना मेरा रिलेटिव्स और जितना मेरा जो सामने का है उस सबको इनवाइट करेगा, इनवाइट करके वहाँ पे वो लोग को तो हम अपना काम का बारे एडवर्टाइज करेगा, तो ऑब्वियसली वो लोग अपना लोग है उसको एडवर्टाइज करेगा, तो वो लोग सोशल मीडिया पे, वो लोग ऑब्वियसली हर कोई सोशल मीडिया पे दे देंगे, एडवर्टाइज करेंगे एंड सबको सजेस्ट करेंगे कि उसके वहाँ पे जाओ. लाइक हम ट्रैवल एजेंसी खोला है तो बोलेगा उस ट्रैवल एजेंसी पे जाके देखो वो अच्छा है, एक बार ट्राई करो, न्यू खोला है, ऐसा ऐसा तो एडवर्टाइज करेगा सर. ओके ग्रेट. अमित, अमित आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक को अनम्यूट करो. अमित, अमित माइक को अनम्यूट करो. सर यस अमित, यू टेल मी इफेक्टिव टूरिज्म मार्केटिंग में कैसे करोगे? कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ना नेट स्लो चल रहे हैं, सुनाई नहीं दिया. तो क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर मुझे इफेक्टिव टूरिज्म की मार्केटिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा, व्हाट आर द यूजेस स्टेप्स, मैं कौन कौन से स्टेप्स को यूज करूंगा, समझ आ गया? नो सर. मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपने कोई भी टूरिज्म का कंपोनेंट ओपन किया और आप उस टूरिज्म की मार्केटिंग करना चाहते हैं उस कंपोनेंट की, तो व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स, वो जरूरी स्टेप्स कौन कौन से होंगे जो आप उसको यूज करेंगे उसको फेमस बनाने के लिए, उसकी मार्केटिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए? क्वेश्चन समझ में आ गया या दोबारा रिपीट कर दूं? क्वेश्चन तो समझ में आ गया. मार्केटिंग के लिए तो सिंपल वेबसाइट एक मतलब बना देंगे, जैसे हर एक ट्रेवल एजेंसीज की वेबसाइट्स होती है अलग अलग, वेबसाइट बना देंगे. और क्या कहते हैं, पेजेस होते हैं फिर, जैसे फेसबुक इंस्टा वगैरह पे, तो वैसे पे पेजेस भी बना सकते हैं. और वो सब से डिपेंड करता है कि मतलब प्रमोशन, जैसे किसी एक्ट्रेस या मतलब किसी बड़े जो भी मतलब फेमस फेस है कोई, उसको मतलब प्रमोशन के लिए उसको हायर कर लेंगे कि वो प्रमोट करे मतलब हमारी ट्रेवल एजेंसी है उसको. ओके 1824855 मेरे को सुन रहे हैं, अपने माइक को अनम्यूट करो. सर अगर हम लोग ये टूरिज्म ये मार्केटिंग के लिए अपना एक लोगो भी तो बनाना पड़ेगा ना, लोगो भी तो होना बनाना पड़ेगा बेबी मारा, बनाना पड़ेगा. मैं पूछता हूँ आपसे तो प्रमोट होने के लिए. वेट लेट टॉक एवरीबॉडी ना, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. वेट अभिनव, अनम्यूट योर माइक. यस सर. यू टेल मी इफेक्टिव टूरिज्म मार्केटिंग, व्हाट कंपोनेंट्स नेसेसरी रिक्वायर फॉर दैट? सर इफेक्टिव टूरिज्म मार्केटिंग सर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कल परसों क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज जो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, एक तो एग्जांपल ये. गिव मी अ सॉलिड वन ना. ये तो थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मीडिया ये मल्टीमीडिया. Let's talk about something very practical. Sir, Karan, I'll come to you. Wait. Let Abhinav talk na. Abhinav, you tell me. Yes, sir. Net, I think network issue है कुछ. थोड़ा आज है. तो मैं बोल रहा था. जी. मैं बोल रहा था तो network effective marketing के लिए एक तो जैसे we are talking about technologies. और एक एग्जांपल वो हो गया. सेकंड एग्जांपल वो है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को और एफिशिएंट बनाएं और अच्छी ट्रेनिंग दें. और मार्केटिंग की बात जब आती है तो उसमें प्रमोशन आ जाता है, तो प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट उसको जितनी अच्छी से कर सके, बिलबोर्ड्स हर जगह लगाकर सबसे अच्छी चीज, क्योंकि मेट्रोज वगैरह पे भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी बिलबोर्ड लगे हैं, एडवर्टाइजमेंट लगे हैं किसी भी चीज के. प्रमोशन एक्ट्रेसेस से जैसे बताया, जैसे अमिताभ बच्चन करते हैं गुजरात टूरिज्म, ब्रोशर्स वगैरह
करके प्रमोट करके। और एक मार्केटिंग का एक बढ़िया तरीका है कि जो जितनी अच्छी हम सर्विसेज देंगे कस्टमर को, तो कस्टमर ही एक प्रमोशन का जरिया बन जाता है कि वो एक खुद जाएगा तो अच्छी चीजें औरों को, दूसरों को, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को बताएगा। अगर ओके प्रियंका, दीज आर द एग्जांपल्स। प्रियंका यू कैन हियर मी राइट? अनम्यूट योर मोबाइल माइक एंड लेट मी नो। आई कैन हियर यू सर, बट आई बी और मुझे चारों बैच में जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं क्लास में आ जाती हूँ। सॉरी फॉर दैट, बट आई वॉन्ट की मेरी क्लास भी चलती रहे। ओके गुड, आप एक काम कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए अपने माइक को, आप वैसे ही सुनिए जो बाकी सेशन चल रहा है, ठीक है? ओके सर। ओके 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 1-8-2-4-8-5-5 you can hear me right? Unmute your mic. 1-8-2-4 कौन है 8-5-5? 1-8-2-4-8-5-5 Yes sir. Kenge, you tell me what do you think about मुझे इफेक्टिव मार्केटिंग करनी है टूरिज्म ब्रांड की, तो मैं नेसेसरी स्टेप्स कौन कौन से यूज करूंगा? आइडिया नहीं सर मेरे को, आइडिया लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग खोलो, आइडिया तो लगाना पड़ेगा। कल सर वही जो इन लोगों ने बोला वो खोलना पड़ेगा, इन लोगों ने तो बोला वो तो ठीक है, ये लोग बोलेंगे तो तू थोड़े पास होगा, वो तुझे खुद लिखना पड़ेगा ना। मुझे कोई एक पॉइंट बताओ जिसपे मैं ठीक बोलूँ, हाँ यार ठीक है इसमें ओके, फिर उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे ना। करने के लिए सबसे पहले तो सर पता नहीं। ओके करण, यू टेल मी। जैसे कि सर चंचल ने सर शुरू में बोला सर पैम्पलेट यूज कर सकते हैं सर, सर सर हम पैम्पलेट के जरिए सर अपना सर आइटनरी सर एक अमाउंट भी रखते हैं सर, क्योंकि आजकल सर जो अभी सर जो भी इंसान है सर जो हमारा जो ट्रैवलर है सर, वो सर ज्यादातर सर हमारे अपने पैसों को देखते हैं सर, हम थोड़ा सर उसे डाउन हल्का सा सर अगर कम अगर सस्ते में देते हैं सर, वो अट्रैक्शन हमारी तरफ होगा ही और सर जरूर हमारे पास जरूर आएगा एक बार के लिए। तो वो तो है, आइटनरीज भी सर जैसे लाइक सर आइटनरीज भी हैं सर, सर आइटनरीज में सर कुछ अट्रैक्शन कुछ ऐसा अलग हो जो मतलब उसको यूनिक लगे सर, जो मतलब वो करना मतलब उसको अलग ही हो सर, मतलब लाइक सर सर जैसे हम कहीं पे भी सर हम अपने सर ट्रैवल जब हम भी करते हैं सर, ऑब्वियसली सर फोटो शूट हम सर हर कोई करता है सर, हम सर फोटो शूट के लिए भी सर एक एक्स्ट्रा हम भेज सकते हैं सर अपना बंदा भी उनके साथ गाइस, हल्का चार्ज देके। एक चीज बताओगे सबके सब, अभी एवरीबॉडी कीप क्वाइट, मर्सिडीज का नाम सुना है सबने? जो गाड़ी है मर्सिडीज गाड़ी तो सुनी है ना सबने, सबने देखी भी होगी मर्सिडीज की गाड़ी। अब मर्सिडीज की मार्केटिंग वो लोग किस हिसाब से करते होंगे कि इतनी महंगी गाड़ी वो बेच दें मार्केट के अंदर? मर्सिडीज से की लेवल की बहुत सी गाड़ियां, ऑडी आ रखी है, मर्सिडीज आ गई है, लैंड रोवर है, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जब ये लोग अपना प्रोडक्ट बनाते होंगे तो ये क्या सोच के मार्केटिंग करते होंगे कि यार कि हमारी गाड़ी बिकेगी या नहीं बिकेगी, प्राइस क्योंकि इनकी गाड़ी तो महंगी है, गाड़ी सस्ती थोड़ी ना इनके पास सर, ये तो क्योंकि ब्रांड बन चुके हैं तो इनकी मतलब एडवर्टाइजमेंट भी इतनी नहीं होती है मतलब अमित किसी चीज को टीवी वगैरह पे। अमित ब्रांड बनाया जाता है या ब्रांड पहले से बन के निकलता है मार्केट से? बनाया जाता है सर, बनाया जाता है। इनकी कुछ मार्केटिंग रही होगी, कॉन्सेप्ट रहे होंगे ताकि ब्रांड बन के अब उनका नाम बिकेगा? Yes, sir. Think about that, ना? अब मेक माई ट्रिप की मैं बात करूं तो जब वो मेक माई ट्रिप 1992 में जब बॉर्न हुआ तो वो ब्रांड बनाया गया टूरिज्म कंपोनेंट के अंदर, इंडिगो ने ब्रांड बनाया, पहले तो कुछ नहीं था ना। मेक माई ट्रिप की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपना आलिया और ये रणवीर सिंह कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो आपको क्या लगा? What do you think about that? कि मेक माई ट्रिप इज पेइंग यू नो हाउ मच मनी फॉर देम इन करोड़्स एडवर्टीजमेंट?
ऑब्वियसली आप मेक माई ट्रिप की एडवर्टाइजमेंट लिखे, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ही तो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर दोनों के। यस सर, यस सर। ये एक मार्केटिंग का तो स्टैंडर्ड है उनका, एक ब्रांड को आगे डाल के एक बंदे को। अब घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि मैंने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बेच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कि वो अपने कपड़े क्या उससे धोते होंगे? नो नो सर, एक ब्रांड को आगे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इन इंडिया हम लोग ब्रांड फॉलोअर हैं। मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ, आप अपने घर के अंदर मुझे एक भी चीज ऐसी बताइए, साबुन की बात करता हूं मैं, कि आपने बिना एडवर्टीजमेंट के देखा है उसको यूज कर रहे हैं, या टूथपेस्ट? नो सर, आती एडवर्टीजमेंट सबकी। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मुझे बता सकता है कि सर मेरे घर में ये वाला टूथपेस्ट है और ये मैंने टीवी पे एड देके नहीं देखा है, ये मेरा भैया मैंने मार्केट से लिया है पर विदाउट एडवर्टीजमेंट है सर, इसकी एड नहीं आती है, बताओ कोई एक टूथपेस्ट या कोई साबुन, कोई शैम्पू, कोई फेस वॉश, कोई हेयर कलर? नो सर, सबकी एड आती है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल दिस वेरी गुड, यू नो, मार्केटिंग इतनी आजकल छाई हुई है कि बिना मार्केटिंग के कोई भी आप प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, आप सर्विस इंडस्ट्री की बात कर लो, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिशियंस की भी बात कर लो तो वो भी मार्केटिंग होती है। पहले मार्केटिंग इतनी बम्पर की जाती है ताकि कुछ भी हो उसको वो बेच सके कस्टमर की नीड के हिसाब से। अब सुनो, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टमर की नीड के हिसाब से जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचा देना डिफरेंट डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से। वो सोर्सेज टीवी भी हो सकता है, वो सोर्सेज न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वो सोर्सेज कोई कैंपेन चला के हो सकता है, ब्रोशर बांट के हो सकता है, वही सोर्सेज आप किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। वो कोई भी सोर्सेज है, चाहे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, कहीं पे भी है, क्योंकि फॉलोअर्स को फॉलो करना। आजकल मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ट्विटर पे जाते हैं, ये देखते हैं कि कौन से बंदे के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ये उसको फॉलो करना शुरू करते हैं और उसको पैसे देते हैं। ये जैसे कि कोई भी ब्रांड, अभिनव बिंद्रा की बात कर लो, वो उसके फॉलोअर्स देखें कितने हैं, उसके फॉलोअर्स इतने बंदे हैं, वो अभिनव बिंद्रा से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि सर आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हम आपको हर ट्वीट करने पे इतने करोड़ रुपया देंगे और आप इसके साथ में हमारे इस चीज की एडवर्टीजमेंट कीजिए। तो उसको क्या करना है, मॉर्निंग हैव अ फ्रेश मॉर्निंग विद द फ्रेश जेल टूथपेस्ट इज सो ऑसम वीको बजरदंती, बस वो इतना मारेगा पॉइंट लिख के और फटाफट से बाकी सबके हैशटैग एंड फॉलोअप शुरू। थिंक, किया क्या उसने बैठे बैठे, कंपनी ने एक ब्रांड को उठाया, एक ब्रांडेड आदमी को उठा लिया कि इसके फॉलोअर्स बहुत हैं। ये तरीका है आजकल, दिस इज द लेटेस्ट मार्केटिंग जो अब आई है, जो अब करंट में यूज हो रही है, बाकी सर, इंस्टा वगैरह पे भी ऐसी होता है ना ये। अब वो अलग अलग अब कुछ नहीं करती कंपनी, इंस्टा वगैरह पे भी ऐसी करते हैं, ऐसे करते हैं ना। वही सर, उसके लिए बस हम लोग के पास बजट होना पड़ेगा। हाँ बेबी, मारा सर वही बोल रहे थे कि सर बजट ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। मारा मेरी बात सुनो सर, अगर हमें सर अगर हम लोग न्यूली स्टार्ट करना चाहेगा तो कल को अगर हम लोग न्यूली स्टार्ट करना चाहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग के पास बजट तो कम होगा ना, तो बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा। बजट कंसंट्रेट है, लेकिन जब हमारा कोई नॉर्मल ब्रांड है जिसको मैं पहली बार मार्केट में उतार रहा हूँ, आजकल इंडस्ट्री के अंदर मैं अकेला नहीं सिर्फ टूर पैकेज बेच रहा हूँ, देयर आर थाउजेंड पीपल्स, मिलियंस पीपल आर ओपनिंग। एक दिन के अंदर ट्रैवल एजेंसी लाखों में खुलती हैं और लाखों में बंद हो जाती हैं, लेकिन हर बंदा अपनी एक स्पेशल सर्विस से लेकर उसमें कंसंट्रेट रहता है। जितनी भी ट्रैवल एजेंसी है, सबके सब एक्सपर्ट्स नहीं है हर पैकेज के लिए। एक ट्रैवल एजेंसी सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक एरिया होगा जिसमें वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होती है, जैसे कि अगर मैं मेक माई ट्रिप की बात करूं तो वो स्पेसिफिक एरिया में कूपन चला के फेयर बेचने में एक्सपर्ट मान सकता हूँ, ओटीए ऑनलाइन टूरिज्म प्रमोशंस के अंदर, क्योंकि वो मार्केटिंग उस लेवल पे कर जाता है। बट उससे भी अच्छे अच्छे फेयर एजेंट्स के पास हैं, अगर आप उसी इंडस्ट्री के कभी और इंडस्ट्री में खंगालो और आप कोई और फ्लाइट्स के उनके जीएसए हैं, जीएसए पार्टनर्स हैं, आप उनके ऑफिस में जाइए तो आपको
इंटरनेशनल जब फ्लाइट्स आ जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती है तब मेक माई ट्रिप का जवाब नहीं, वो सबको तोड़ देता है। जब इंटरनेशनल बुकिंग की काम आता है तो मेक माई ट्रिप फेल, तब सब लोग अपने अपने जो आसपास के एजेंट्स होते हैं उनके पास दौड़ते हैं। क्यों? है तो मेक माई ट्रिप ब्रांड, डोमेस्टिक में उसने कंट्रोल किया है, इंटरनेशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो। इंटरनेशनल का फेयर आपके गली कूचे में बैठा एक नॉर्मल दो चेयर पे बैठा हुआ अपना ऑफिस खोला है एजेंट, वो सबसे बढ़िया रेट दे सकता है मेक माई ट्रिप से अच्छा रेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, कभी नोटिस कर लेना। आप अगर जीरकपुर से बिलोंग करते हैं, अगर आप अंबाला से बिलोंग करते हैं, अगर आप जलंधर से बिलोंग करते हैं, तो गाइस पंजाब के अंदर सबसे अच्छा इंटरनेशनल एयरफेयर चाहिए तो जलंधर से सस्ता एयरफेयर एंटायर पंजाब में कहीं नहीं मिलता। दिल्ली को कंपटीशन देता है जलंधर एरिया ओनली एयरफेयर के अंदर। इंटरनेशनल एयरफेयर कनाडा की अगर आपको 50 सीटें चाहिए फटाफट, मेक माय ट्रिप वोंट गिव यू 50 सीट्स एट वन शॉट, बट आप जलंधर के किसी एजेंट को फोन कर दो कि सर मुझे ना पूरा कैरियर ही बुक करना है, तो बोलेगा हाँ ना करवा दूंगा यार, बताओ कितनी सीटें हैं, 200, 300, 400, 500 सीट। सो ब्रांडिंग के साथ में अपनी एक प्रोडक्ट में एक यूएसपी बनाना। हम जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं मार्केटिंग की इवेल्युएशन करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज अ सॉलिड माइंड। सब लोग टिकट्स बेच रहे हैं तो लोग मेरे से क्यों खरीदेंगे, सबके पास ट्रेवल एजेंसी है तो व्हाई अदर पीपल विल चूज पैकेज फ्रॉम मी, क्यों? मेरे रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार भी आपसे पैकेज नहीं लेते, कभी नोटिस करना। आपने बोला जी मैंने काम खोला है, कभी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, इट्स नॉट अ एग्जांपल ऑफ ओनली ट्रेवल एजेंसी। आप कोई और दुकान खोल लीजिए, कोई और बिजनेस ओपन कर लीजिए, आप कुछ भी ओपन कर लेंगे ना, आप अपने रिश्तेदार को बोलोगे सर मैंने ना ये मेरा ये काम है और आप प्लीज मेरे पास आके ये चेक कीजिएगा, आपके रिश्तेदार आपके पास आएंगे जरूर, प्रोडक्ट चेक करेंगे, आपसे रेट चेक करेंगे, लेकिन जाके तीन जगह और चेक करेंगे, पूछेंगे वहां जाके, उनसे लेंगे आपसे नहीं लेंगे। जो रिलेटिव्स की बात आती है, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर, जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ सुना है सबने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ माउथ? ये मार्केटिंग में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वर्ड ऑफ माउथ का, कभी सुना है? कभी बता रहा हूँ वर्ड ऑफ माउथ क्या चीज है। मैंने कोई भी चीज प्रियंका से ली एंड दैट स्टफ इज ऑसम, चाहे वो टी शर्ट है चाहे वो जीन है, मैंने कहा यार अच्छी जीन, और मुझे इसने 700 रुपए में एक बढ़िया पैंट और शर्ट दी, वैसे आती नहीं है, मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, ले ली। और मैंने वो चीज फिर मैंने करण को बताई, करण कपड़े कहाँ से लेता है? अरे वहां, अरे प्रियंका के स्टोर पे जा, बढ़िया किफायती देख कपड़ा अच्छा मिल रहा है। मैंने बताई करण को, करण ने भी ली, करण बताएगा तीन आदमी को, और ये चेन बनती जाएगी। इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। कस्टमर की जय हो मूवी की तरह, क्या कह रहे हैं? जय हो मूवी में भी ऐसे था सर, जय हो लोगों को मदद करो, तीन लोगों को बोलो। हाँ वो अब देखो वो जय हो मूवी का कॉन्सेप्ट क्या था, वर्ड ऑफ माउथ का, उसी को उठाकर उन्होंने पेश दिया है, उसको सर्विस में उसने उन्होंने सोशल सर्विस को डाल दिया है। ये सब ना एक मैकेनिज्म है। आपको क्या लगता है कि ये जो किताबें होती हैं, ये पढ़ाते हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग एचआरएम, ये मैनेजमेंट प्रोसेस साइंटिफिक, ये वो, ये तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई ऐसी कोई कथा थोड़े ना, ये रिसर्च की होती है, इस पे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं तब ये बुक्स लिखी जाती हैं, ये फैक्ट्स तब लिखे जाते हैं, और ये मैकेनिज्म है जिंदगी के लिए। आप इसको अपनी लाइफ में अगर आप इसको ढंग से कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और अपने डेली रूटीन वर्क में यूज करना शुरू कर दें, तो गाइस आप देखना आपकी लाइफ चेंजिंग विद टू पर्सनैलिटीज, वन विदाउट मैकेनिज्म और विद मैकेनिज्म। इसका जब यूज कीजिए, आप मार्केटिंग को कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। बच्चा जब रोता है, जब कोई चीज लेनी होती है किसी बच्चे ने, तो वो कैसे मनाता है अपने माँ बाप को? छोटा बच्चा रो के मनाता है, दैट इज हिज प्रैक्टिस, कि मुझे पता कि वो रोएगा तो उसको वो चीज मिल जाएगी। तो मार्केटिंग तो हम लोग घर से सीख रहे हैं ना सबके सब। मार्केटिंग जो है बच्चा हम अपने घर से सीख के आते हैं। अब थोड़े बड़े होते हैं, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमें कोई चीज लेनी हो अपने मॉम डैड से या अपने बड़े भाई या किसी से भी लेनी हो, तो हम उनसे बोलते हैं, हम पता यार ये बंदा देगा नहीं, हम बड़े प्यार से बड़ी सोबर होके बड़ा ऐसे इनोसेंट सा फेस बना के लेते हैं। वी आर इमोशनली ब्लैकमेलिंग दैट पीपल्स, राइट? हम इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं इमोशंस के अंदर, माँ बाप को, भाई को, बहन को, बीवी को, जिसको भी जिससे कोई चीज लेनी हो,
तो वो उसमें होके वो क्या करते हैं, तो व्हाट इज दिस, ये आप क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं मार्केटिंग का। ये अब देख लीजिए, ये चीज आप इंडस्ट्री के लिए मत सोचिए ना, अपने लिए भी सोचिए। आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, आप ऐसे सड़ा समूह बना के बैठे, हाँ जी सर क्या लेना क्या चाहिए, मंदा बोले पागल है क्या, अगली बार दुकान पे नहीं जाऊंगा। और एक एक बंदा, आप एक बंदे के दुकान पे जा रहे हैं, आपसे आपको वेलकम जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सर, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, और सर बढ़िया सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है वाली, सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, कस्टमर यार थैंक यू, वो कस्टमर थोड़ा खुश हो जाता है कि सर आपकी ना शर्ट अच्छी लग रही है वाली। सामान लेने वो चीनी आया आपके पास, कुछ भी लेने आया, लेकिन आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया है। एक इंसान की साइकोलॉजी है, जब हम किसी भी आदमी की प्रेज करते हैं ना, तो हम उसके अंदर के जो ऑटोमेटिक ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं दिमाग, तो वो पहले जैसे सुस्त होते हैं, फिर सारे एक्टिव हो जाते हैं, तो वो फोकस करता है उसी बंदे पे, उसी बंदे पे फोकस कर जाता है कि यार नहीं ये बंदा कुछ है। आप कभी नोटिस करना, किसी की भी एप्रिसिएशन देना किसी को भी, या तो अच्छा लग रहा है आज, आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आप अच्छे लग रहे हैं आज, ही विल फील वेरी हैप्पी एंड ही विल अप्रिशिएट यू। आप किसी को बोलो यार तू क्या लगा, तू बकवास लग रहा है यार, क्या तू नहा के नहीं आया क्या, बंदा बोले कोई बात नहीं बेटा रुक जा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी जो बिजनेस में यूज होती है। मार्केटिंग वाले ये क्या करते हैं, ये तो यूज करते हैं। आप देखें जो मार्केटिंग का गाइज होगा उसको पता है, आप दुकान में बैठे हो, एक बंदा बाहर से आया मार्केटिंग का बंदा, उसे अपना प्रोडक्ट तुम्हें देना है, तुम ले यार आ गया यार मार्केटिंग वाला, तुम ऐसे फील करना बैठे तो दिमाग में से, उसको भी पता कि तुम अंदर से गालियां निकाल रहे हो उसको, ही नोज। और जैसे तुम्हारे डोर में ओपन, गुड मॉर्निंग क्या हाल है सर, और जनाब ठीक ठाक हो बढ़िया, वो आपसे इतने प्यार से बात करेगा, आप ना चाहते हुए भी उससे बात करोगे, और सर सब ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा पहले आते, वो मार्केटिंग का गाय पहले आपके पास आएगा, आपको इतने अच्छे से आपको वेल तरीके से आपको एड्रेस करेगा, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई भी एड्रेस नहीं करता होगा जितने अच्छे तरीके से ये लोग इज्जत देते हैं। ये इज्जत भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि बंदे, क्योंकि ये साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना मार्केटिंग वाले, क्या है साइकोलॉजी तो पढ़नी है इंसान की, इसको खुश करो, इसको थोड़ा उस लेवल पे लेके आओ, फिर इसको काटो। बिजनेस का रूल क्या है, तो यही मार्केटिंग का रूल है, एप्रिसिएशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या चीज होती है। ऑलवेज एक चीज नोटिस करना, आप नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वाला कोई ये नहीं कि विलियम शेक्सपियर ने लिख दिया और सब ने उसको मान लिया, नहीं गाइस, ये प्रूव है। आप किसी चीज को करना चाहते हो आप कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हाट लो बिजनेस मार्केटिंग की एग्जांपल देता हूं मैं। आप कहते हैं ना बहुत पैसा चाहिए मार्केटिंग के लिए, बेबी मारा इट्स फॉर यू। टाटा ने सबसे पहले जब इंडिगो गाड़ी लॉन्च करी, वो गाड़ी मार्केट में पिट गई। टाटा इज ए ब्रांड, टाटा के पास बहुत पैसा था, टाटा चाहता तो उसकी मार्केटिंग कितनी तरीके से करता, उसने सबसे बेहतरीन मार्केटिंग करी, फिर भी उसकी जो इंडिगो गाड़ी थी वो सबसे पहले पिट गई मार्केट के अंदर। टाटा का वो बिजनेस इतना पिटा कि टाटा इज रेडी टू सेल, टाटा के जो बाकी जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने टाटा को बोला कि ये हमारा जो बिजनेस है ये ठप हो रहा है, मैं अपना अपना पैसा अपना अपना शेयर वापस विदड्रॉ कर रहा हूँ। तो टाटा क्या किया, टाटा ने वो सब अपने शेयर होल्डर को लेके ही वेंट टू जर्मनी, वो फोर्ड के ऑफिस में गया और उनको बोला कि आप मेरा ये ब्रांड ले लो, ये दिस इज टाटा की बता रहा हूँ बात तुम्हें। तो टाटा वहां पे गया, वहां पे बोर्ड की मीटिंग बैठी, तो उन लोगों ने टाटा को ये बोला, व्हेन यू डू नॉट हैव ए नॉलेज, जब आपको गाड़ियों के बारे में पता नहीं था तो आपने इतना पैसा लगा के मार्केट में गाड़ियां क्यों उतारी, ये बात चल रही है उस बड़ी मीटिंग के अंदर। तो क्या किया टाटा, उसी मीटिंग से उठ के वहां से चले आए, तो उन्होंने वापस वो इंडिया आ गए। जब वो वापस इंडिया आ गए, उन्होंने दोबारा से अपने काम पे रिसर्च, उन्होंने अपनी कंपनी को नहीं दिया, उन्होंने इंडिगो को नहीं बेचा, उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को बेचा ही नहीं, उन्होंने बाकी शेयर्स होल्डर को बोला कि देखो पहली टाइम हुआ कि मैं फेल हुआ हूँ। इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कोई भी फेल हो सकता है, मार्केटिंग चीज ऐसी है, मार्केटिंग सबके बस की नहीं है। हालांकि उसके सबके बाकी बिजनेस बहुत अच्छे टॉप पे चल रहे हैं, ही हैव इनफ मनी, उसके पास जितना पैसा है वो किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा, राइट। बट उसने सोचा कि नहीं मेरी मार्केटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, वो वापस इंडिया आया, उसने सब शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया कि आप लोग टेंशन मत कीजिए, गिव मी अ 3 इयर्स, आप मुझे 3 साल दे दीजिए इस ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, मुझे एक बार फिर ट्राई करना है। सब ने उसके ट्रस्ट पे आके टाटा ने अगेन काम किया, टाटा ने अगेन मार्केटिंग करी उसकी अपनी, उसकी उसने स्ट्रेटेजी फिर से चेंज करी। तो टाटा इंडिगो ने जब ऑटोमोबाइल में दोबारा से चीज चेंज किया तो उसका वो ब्रांड हिट हुआ,
टाटा इंडियो के बाद टाटा सफारी में आ गया, टाटा सफारी उसकी सबसे ज्यादा बिकी, सबसे ज्यादा आर्मी के लिए उसने टाटा सफारी बना के दी सबसे पहले। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक टाइम ऐसा आया कि टाटा की गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल का इतना क्रेज हो गया कि भाई कोई भी गाड़ी लेनी है टाटा की, कॉन्फिडेंस टाटा का। फिर क्या हुआ, फोर्ड की मार्केट पिट गई, लैंड रोवर पिट गई, लैंड रोवर पिट गई, वो कंपनी इंडिया आई सेम अपने शेयर होल्डर को लेके और टाटा को बोल रही थी कि आपने हमारे पे एहसान किया है, आप प्लीज एक काम कीजिए, आप हमारा ये कंपनी को खरीद लीजिए, वी आर इन लॉस। देन टाटा ने वो लैंड रोवर ग्रुप्स को खरीद लिया, फोर्ड कंपनी के लैंड रोवर ग्रुप्स को खरीद लिया, जिसके अंदर जैगुआर की गाड़ी है, जो जैगुआर की गाड़ी भी है वो टाटा की ही है। तो देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसके पास पैसा पहले बहुत था लेकिन पिट गया, लेकिन मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनीथिंग। तो वापस उसने वो लोग जिनके पास वो अपना ऑटोमोबाइल कंपनी को बेचने गया था, वो लोग उसके दरवाजे पे खड़े हुए, उन्होंने उसका, टाटा ने क्या किया, लैंड रोवर और जैगुआर जैसी ऑटोमोबाइल कंपनी को टेक ओवर किया, खरीद। और आज भी इंडिगो गाड़ी को टाटा अपने ब्रांड को किसी को नहीं बेचता है। इंडिगो का उसने बहुत सारे वर्जन निकाल दिए, मैकेनिज्म आ गया, मांजा निकाला, सफारी आ गया, अब आगे से आगे बहुत सारे उसके, टाटा की हायर आ गई है, टाटा की नेक्सा आ गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टाटा अब एक ब्रांड है। अब देखिए पैसा होते ही हुए भी आदमी पिट जाता है। बेबी मारा यू, आपने मुझे पूछा था ना सर कि पैसा बहुत चाहिए मार्केटिंग के लिए, तो टाटा के पास तो बहुत सारा पैसा था, तो वो क्यों पिट गया पहले? द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी और अच्छी मार्केटिंग जिसके पास है उसका ब्रांड सबसे अच्छा चलता है, जिसके पास अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग अच्छी नहीं। सर कोई ऐसा जिसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हो? बहुत सारे हैं जीरो से स्टार्ट करने वाले, कौन नहीं है बताओ मुझे, ये मेक माय ट्रिप कौन है? चार दोस्त हैं। अमेज़न सर। अमेज़न क्या चीज है सर? अमेज़न स्टार्टेड फ्रॉम गैराज। यस सर। अमेज़न क्या चीज है पता है आपको? कितने शुरू करा हुआ है इसने, बिल्कुल जीरो से। बजाज क्या चीज है? जीरो से। और ये अब आजकल ये सहारा जो आजकल जेल में चले गए हैं, लेकिन इनका जो स्टार्टअप है ना वो LIC का है। ये अब जिसकी क्रिकेटर्स आते ना सहारा की टी शर्ट पहनते थे, सहारा एयरलाइन जिसकी थी, बाद में ये चलो पैसे में फंस गया, कुछ फंस गया, वो लोन के चक्कर में फंस गया, देन डिफॉल्ट। लेकिन एक ब्रांड था ना सहारा, ने क्या किया था, एक स्कूटर पे बैठ के अपनी इंश्योरेंस करता था LIC पे जाके, लोगों घर घर जाके, लोगों के घर घर जाके LIC करता था ये बंदा। LIC से इसने सहारा इंश्योरेंस निकाली थी, सहारा इंश्योरेंस इतने इतना बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर इसने सेट किया, होटल लाइन में चला गया, एविएशन इंडस्ट्री का सहारा एयरलाइंस ओपन कर दी, जीरो से शुरू किया सबने। कोई ना कोई जो बाप दादा का जो बिजनेस है वो तो चलेगा चलेगा। आपके आसपास आप कभी नजर दौड़ाएंगे तो आपके गांव में, आपके कस्बों में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जीरो से शुरू किया और 100 बना के बैठे हुए हैं। अमेज़न क्या चीज है? ई बिजनेस की कंपनी जो बिल्कुल क्या करती है, इंजीनियर्स लोग ही तो होते हैं, दो बंदे इकट्ठे हो गए, चल हो गया काम शुरू। सो माय पॉइंट इज कि टूरिज्म मार्केटिंग के अंदर जो इफेक्टिव इवैल्यूएशंस करनी है हमने, थ्योरेटिकल आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर आज टॉपिक था इसका इवैल्यूएट करना कि हम क्या इवैल्यूएट कर सकते हैं कि टूरिज्म मार्केटिंग में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया आजकल नए ट्रेंड की मार्केटिंग चल रही है, आजकल TV पे प्रमोशन बहुत हो गए, सबको पता है कि सब अपना ब्रांड बनाते हैं, TV में एड देते हैं, भाई काम चलता है, लेकिन अब वो भी काम नहीं चल पा रहा है। फिर अब लोग ये क्या कर रहे हैं, ये फेमस जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको एम्बेसडर बनाते हैं, वो भी काम नहीं चल पा रहा है। फिर ये क्या ढूंढ रहे हैं आजकल ट्विटर पे जितने भी लोग इसको फॉलो करते हैं उस बंदे को पटाते हैं, उसको पैसे देते हैं, चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल मीडिया का हीरो हो उसको पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं आप इस चीज के बारे में कुछ लिखिए। अब एक नॉर्मल कोई बंदा सुबह उठ के पोस्ट डालता है, आप कभी नोटिस करना अगर कोई बंदा पोस्ट डाल रहा है, अगर किसी रणवीर सिंह ने और किसी भी हीरो ने या किसी भी जिसको आप फॉलो करते हैं उसने ये पोस्ट डाल दिया कि नीम इज वेरी गुड फॉर हेल्थ और मैं ये नीम तो जो है बहुत यूजफुल है मेरे लिए, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और #टाइटल कर दिया फीलिंग वेरी गुड विद फ्रेश लाइफ इन एवरीथिंग। गाइस अगले दिन जितने भी फॉलोअर्स होंगे ना आजकल चैलेंजेस भी देते हैं लाइक करके ना, उस चीज पे डिमांड बढ़ जाती है। न्यू स्ट्रेटजी इन दिमाग में सर, जैसे स्ट्रेटजी तो मैं तो चैलेंजेस भी देते हैं सर, ये मैं करता हूं तो मैं आप तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये सब तो पुरानी स्ट्रेटजीज हैं, ये कोई स्ट्रेटजी जो बनाता है मार्केटिंग की कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं बनाते हैं, ये हम आप लोग ही बनाते हैं बैठ के। सो आप तो BTTM के स्टूडेंट्स हैं, आप टूरिज्म में कोर स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट आपके पास हैं,
आपको अगर मार्केटिंग करनी है और अच्छे बेहतरीन लेवल से, तो आप किस हिसाब से इसको करना चाहेंगे? अब मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एक एक करके एक पॉइंट बताइए कि सर ये नया देखो सोशल मीडिया मल्टी मीडिया ये मीडिया यार ये तो सोर्सेज है ना, दिस इज ऑल सोर्सेज, बट गिव मी अ वन अप सॉलिड रीजन कि सर ये नया फॉर्मूला चल सकता है मार्केटिंग, ये बताया मुझे करण, यू टेल मी फर्स्ट। सर मेरे सर अभी जो न्यू थिंक है सर, जो मेरे दिमाग में सर जो भी आ रहा है सर वो ये सर जैसे कि लाइक सर जो फेमस सुपर हीरोज लाइक सर सलमान खान सर अक्षय कुमार सर इनसे एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे सर अपने ब्रांड की, लाइक सर जैसे कि अभी सर नया साबुन आया सर जो अभी अक्षय कुमार कर रहा है सर, नाम नहीं पता उसका, एक साबुन की एड देख रहे हो टीवी पे राजू कर, राज करके आ रही है आरएजे राज साबुन, वो बंदा ना पानी के टैंक में घुस जाता है ऐसे दो साबुन पकड़ के ऐसे, पता नहीं सर कभी नहीं सुना है, किसने ऐड देखी है वो वाली, वो क्या होता है वो कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो एक नॉर्मल जैसे करण है, नहीं सर नॉर्मल सा बंदा है ना वो, तो वो क्या कर रहा है उन्होंने नई चीज निकाली है, देखो एक साबुन की टिक्की ली जिसको बेचना है और जिसको नहीं बेचना है उसको पकड़ा है, पानी के टैंक में कूद गया, कस्टमर को दिखा रहा है देखो ये घुल गया और ये बचा हुआ है, आदमी का दिमाग में क्या इफेक्ट पड़ रहा है यार ये राज साबुन के कपड़े धोने वाला होगा ना, औरतें क्या सोचती हैं दिमाग में, हम वो चीज साबुन लें जो कम घिसे लेकिन सफाई सब करे, हमारी मम्मी हमारी आंटी जो भी रहती है हम लोग इनका इनका मेन मोटिव क्या होता है, सेव मनी, सब घर का होता है, कहते हैं कपड़ा मतलब साबुन कम घिसे लेकिन घिसे भी कम, और कई बार हमारी मेरी मॉम मना कर देती है यार ये साबुन मत लाओ घर पे ये बड़ी जल्दी घिस जाता है खत्म हो जाता है और लाना पड़ता है, चेंज कर दो ये ले आओ, मेरी नहीं सबके घर में ऐसे ही होता होगा जो जल्दी घिसता होगा उसको नहीं मानते ये अच्छा, अब वो अच्छा है बिकॉज जो जल्दी घिसता है वो इसका मतलब वो अच्छा साबुन है ना, वो अच्छा घिस के अच्छा, पर जो नहीं घिसेगा वो कपड़े क्या घिसेगा वो, बट फिर भी क्वांटिटी पे वी आर इंडियंस ना, हम क्वांटिटी पे विश्वास करते हैं यार हमारी सेविंग रहनी चाहिए, तो ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हैं, तो वो उसी को अब देखो बंदे ने क्या देखा, वो बंदे ने दिमाग में सोच लगाई कि यार ये साबुन तो है।